यहाँ है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम, देश को दिशा देता एक प्रदेश जहाँ से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश, ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए जनपद कानपुर में आज लेदर रबर एंड शू मटेरियल मर्चेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड अनवरगंज फूल वाली गली कानपुर के तत्वावधान में मूलगंज चौराहे पर शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस उपलक्ष्य के एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार डांग ने कहा कि इस भीषण गर्मी के दौर में हमारी एसोसिएशन ने आम जनमानस की सेवा में खुद को समर्पित करते हुए शरबत वितरण के माध्यम से लोगों को राहत देने की कोशिश की है। महामंत्री जियाउर रहमान ने कहा कि सबको मानवता के रास्ते पर चलते हुए गरीबों के और वांछितों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस आयोजन में कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनपद कानपुर से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। मैं जियाउर रहमान अंसारी, महासचिव लेदर रबर एंड शू मटेरियल मर्चेंट एसोसिएशन। आज संस्था ने हमारी उस मौसम को गर्मी को देखते हुए एक पुण्य का कार्य सेवा की, लोगों की शरबत वितरण किया, लोगों को पानी पिलाया, शरबत बांटा, लोगों को राहत देने के लिए जो कोशिश कर सकते थे समाज सेवा का एक कार्य किया हमारी संस्था। बिल्कुल इसी तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी करते रहेंगे, जो भी हमारी संस्था से सेवा हो सकेगी समाज की वो हमारे निरंतर करते रहेंगे। मैं विकास डांग, लेदर रबड़ एंड शू मटेरियल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष। ये हम लोग ने आज शरबत वितरण का प्रोग्राम किया गर्मी के देखते हुए। इसमें हम लोग ने कोशिश करी कि एक संदेश दिया है अपनी बाजार को भी और पूरे शहर को भी कि ऐसे ही हम लोग जो है गर्मी में इस तरीके के पुण्य का काम करते रहें, जिससे लोगों को ये संदेश पहुँचे कि गर्मी का माहौल है तो कम से कम आदमी कुछ शरबत या कुछ अपना खाने पीने की व्यवस्था करते रहे, जिससे कि गरीबों को जो चल रहे हैं रोड पे इतनी गर्मी में उनको पानी का प्रबंध हो सके। इसके साथ साथ और भी सामाजिक कार्य आप लोग करते हैं? सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते, क्योंकि अभी आपने देखा हम लोग की यूनियन अभी 2 महीने पहले ही हम लोग ने शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद हम लोग का ईद मिलन और होली मिलन समारोह हुआ अभी नरूला गेस्ट हाउस में। इसके बाद अब ये प्रोग्राम है, आगे हम लोग का है कि 15 अगस्त को हम लोग झंडारोहण और ब्लड डोनेशन और इस टाइप के और कार्य करेंगे सामाजिक।